सारे सारे क्रैब मीटबॉल खा गए तूने, ये छोड़ा। ओए तो स्कूटियां बढ़िया चलदियां ने चोरी। अभी यहां पे बारिश शुरू हो चुकी है फुल, और बॉयज ऐसे मतलब अपनी स्विमिंग के चर्चे अरूज पे करते हुए मैं गया नाइकी पे पाकिस्तान में, और ये वाला आर्टिकल मुझे वहां मिल रहा था 54,000 का, अब यहां पे ये 37,000 का। मतलब जो गेमिंग के शौकीन लोग हैं, आपने ऐसा पीसी देखा है कभी स्नीकर शेप में? तुम्हारा अब्बा को शिकायत लगाऊंगा, बहुत तेज लिशका चलाते हो। हाउ मच? हाउ मच? 150 डिफरेंट सी फूड है, प्रॉन्स है, स्क्विड है, मशरूम डले में, और सूप में आग चल रही है फुल। काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है जिसके बाहर लोग ही लोग बैठे, मतलब मैं सिर्फ रश देख के रुका हूँ, रेस्टोरेंट मुझे बाद में नजर आया, इतना रश है यहाँ पे। स्क्विड, प्रॉन्स, क्रैब, सिपियाँ मिपियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा बाय द वे, ये जो चाइना टाउन है, आपको मतलब जब इसकी एंट्रेंस पे खड़े हो तो पूरी रोड पे आपको चाइनीज बोर्ड रोड के दोनों तरफ नजर आते हैं, बहुत खूबसूरत एक व्यू है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रहे जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, और मेरे साथ इस टाइम जेडी बॉय, क्या हाल है जेडी? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरे साथ हसन है, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र। और साथ हमारे उमेर, क्या हाल है उमेर? ठीक ठाक। आप लोग अगर उमेर को कोई लोग वैसे सब जानते ही होंगे, अगर कोई नहीं जानते तो उमेर और फोंसी ओजी ऑफ शपैक गैंग, और हम लोग इस टाइम लाहौर रिंग रोड पे हैं और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट है इस टाइम। कहाँ की फ़्लाइट है जेडी? बता दो। बता दे, क्या रह गया? थाईलैंड। थाईलैंड हम लोग जा रहे हैं, थाईलैंड इंशाल्लाह। अभी क्या टाइम हुआ है? क्या टाइम हुआ? 8:39 हुए हैं, 11:40 की फ़्लाइट है आज। जेडी हम पहली दफ़ा, मेरे ख्याल ज़्यादा लेट नहीं हुए? नहीं, पिछली दफ़ा की जो 6:00 थी उसके बाद। ओए अभी कुछ देर कुछ टाइम पहले मेरी कराची की फ़्लाइट थी, और मैं और जेडी बड़े रिलैक्स के, ये तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इजी हो जाए, कोई नहीं, चलते हैं। वो इजी हो के जा रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, सुकून से गाड़ी चल रही है। जब वहाँ पहुँचे वो कहते सर गेट क्लोज हो गया, मैं कहा प्लीज़ मुझे जाने दें, कहते कुछ भी नहीं हो सकता, अब चुप करके घर जाएं और अगली दफ़ा से जहन में रखें कि टाइम पे पहुँचना होता है। तो मेरी वो फ़्लाइट मिस हो गई थी, तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं, जेडी हमें छोड़ने जा रहा है। मेरी कोई भी फ़्लाइट और जेडी मुझे ना छोड़ने जाए पॉसिबल नहीं है। जेडी कब कब वो दिन आएगा जब तू भी मुझे ज्वाइन करेगा, छोड़ने की बजाय मेरे साथ जाएगा? कब जेडी? दुआ कर। कब? आखिर कब? जनता पूछ, जनता, आम जनता का सवाल। ये जब भी बात जाता है ना तो मेरा सबसे ज्यादा जो है ना वो मुझे उदासी तो होती होती है, लेकिन उसके साथ यार ये जो रहा एंजॉय करेगा भाई यहां पे वही कुर्सी के आगे। नहीं नहीं, जल्दी इंशाल्लाह जेडी भी जाएगा, काम सबके अपने अपने इम्पोर्टेंट, लेकिन इस दफा जेडी मैं ज्यादा लंबे अरसे के लिए जा रहा हूँ, बहुत लंबे अरसे। ओहो हो, और मैं पीछे एक अकेले उसी लट्टू के साथ। लट्टू बंटी, ओह गुड बाय पाकिस्तान फॉर काफी अरसा। कोई बंदा आएगा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप मेरे बहुत से भी बहुत वाले, मैं हर पूरी सीरीज देख ली है, लास्ट वाली। अच्छा, ये जो अभी आपने फूड का पाकिस्तान। हाँ, फूड का पाकिस्तान। अच्छा। ड्राइविंग के साथ, और वैसे भी मैं सारे व्लॉग्स देख, थैंक यू सो मच। तो खैर अभी यहाँ पे माहौल बना हुआ, जरा हम लोग आगे निकल जाए बोर्डिंग से, फिर बाकी बात करते हैं। हम ज़रा वो वाना भी फैंसीज बन रहे हैं, हम अगर एयरपोर्ट्स पर बैठे हैं तो हम सिंपल एयरपोर्ट्स की जगह पर नहीं बैठेंगे, कॉफ़ी लेके कुछ अच्छे वाले लेदर सोफ़ा सीट के लाउंज में बैठेंगे। सॉरी हमारे साथ हैं जी मिस्टर फैंसी। जब मैंने फैंसी पहले कैमरा ऑन किया ना तो वॉशरूम था। फैंसी पहला ट्रैवल है? पहला इंटरनेशनल ट्रैवल है, क्या फील कर रहा है? Excited. क्या चीज? Excited है काफी। बेसिकली हम तीन लोग आपको नजर आ रहे हैं इस टाइम की, ये जा रहे हैं, हम चार लोग जा रहे थे और चौथा बंदा हमारे साथ क्यों नहीं है, बड़ी ट्रेजेडी हुई है, आने वाली कुछ वीडियोस में आपको पता लगेगा। खैर अभी फिलहाल जो हमारा ये ट्रिप शुरू है, ट्रिप तो प्लान है 1.5 महीना पहले का, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती भी आ रही थी, वो मैं बताऊंगा आपको 3-4 दिन बाद बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती भी आ रही थी कि अभी तक मतलब हर मोमेंट पे हमारे प्लान्स चेंज हो रहे थे, तो अभी तक इस मोमेंट तक बोर्डिंग हो चुकी है, अभी जहाज़ लैंडेड है बाहर, हम उड़ने वाले हैं, हमारे होटल्स बुक नहीं हुए हुए, तो ये इस टाइम ये सारा वही booking.com खोल के बैठा हूँ मैं कि होटल बुक करवाएं, ये वो सारा सीन। तो फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं, इसके बाद बस मैंने कहा ज़रा एक छोटी मोटी कॉफ़ी पी लें, भूख में लगी हुई है, खा मैं इसलिए रहा कि फ़्लाइट में खाना मिलेगा बहुत ठूस, तो पैसे क्यों लगाऊँ। स्वाती खा खौतौन रपथन सुपरिकान इंग लुवंग वेलकम टू रॉयल ऑर्किड सर्विस, เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิต
และปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญลักษณ์ Please fasten your seatbelt low and tight at all times while seated.जी फाइनली हम लोग हवाओं में हैं और एग्जैक्टली इस टाइम हसन हम किस जगह के ऊपर हैं? हम इस टाइम इंडिया के ऊपर से गुजर रहे हैं। इंडिया के ऊपर और मैप जो दिखा रहा है कि इस टाइम चंडीगढ़ के ऊपर से गुजर चंडीगढ़ के ऊपर से जा रहे हैं ना, आई थिंक चंडीगढ़ के ऊपर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। बाय द वे होटल हम लोगों ने बुक करवा ली है और अभी बस हवाओं में खाना छाना खाएंगे। रात का टाइम है, इतना कुछ दिखाने को है नहीं, तो थाईलैंड की सरजमी पर जाके मिलेंगे अगर कुछ और ना हुआ करने। नहीं जी, हमारे पास खाना आया था फिश एंड राइस, हलाल में सिर्फ यही ऑप्शन थी, बाकी सारी ऑप्शंस हराम फूड था क्योंकि था ही एयरवेज है तो उन्होंने अपने उस हिसाब से भी सर्व करना होता है। साथ में डिज़र्ट है, ये चिकन था, ये इतना मज़े का नहीं लगा, और साथ में एक बन था और साथ में ये बटर है। उमेर की भी कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट डन है और हसन का माहौल आप देख सकते हैं कि उस बन को इसने मेहनत करके काटा है, उसके अंदर चिकन डाला है, उसके अंदर बटर डाला है, उसमें वेजिटेबल्स डाले हैं। नहीं, फिश और राइस खाने के बाद ये बर्गर बनाने वाला क्या माहौल बनाया तुमने? मैंने कहा चेक तो करूँ कैसा टेस्ट आया। नहीं मज़ा आया, नहीं मज़ा आया। इसको एंजॉय तो करने दे। लें जी, वेलकम टू बैंकॉक थाईलैंड। मौसम हमारे पाकिस्तान से मिलता जुलता है। अभी मैंने टैक्सी बुक की है और वो आ रही है। और कैसा लग रहा है दोनों को? थाईलैंड पहुंच गए हैं, मजे मजे मजे। हाँ मैं तो कल से चला हुआ भावनगर से और थक, पहला दिन है एयरपोर्ट से भी बाहर निकला और मैं थक गया हूँ। इसको मैं पहले क्या क्या आया था, मैं बहुत चलना है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं बड़ा चलूँगा मैं ये, और अभी ऐसे खड़ा है कि यार पहले कहीं किसी कैफे पे नाश्ता ना कर लें। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो खूबसूरत बादलों का मंजर हुआ है बैंकॉक में, क्या बात है। बैंकॉक हमें किस तरह से वेलकम कर रहा है। अभी फर्स्ट लुक ऑफ बैंकॉक इज सुपर क्लीन, मतलब इतना साफ सुथरा, और बीच में मतलब वाइब आ रही है कि इस्लामाबाद फिर रहे हैं। उमर, इस्लामाबाद को कौन सा एरिया लग रहा है? अच्छा हसन, क्या एरिया का नाम है? वही मतलब फैसल मस्जिद वाली जो सारी रोड। चार साल इस बंदे ने इस्लामाबाद के अंदर रह के इंजीनियरिंग किया और इसको वही मतलब फैसल मस्जिद वाली साइड है, मतलब बहुत खूबसूरत साफ सुथरा सा है। बीच में एकदम से बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती हैं तो लगता है हाँ बाहर का मुल्क है। फिर एकदम वो अपने जो मुर्गियों ले जाने वाला टोयोटा का डाला नहीं होता, वो भी बीच में फिर रहा, तो मिक्स एंड मैच अभी चल रहा है, देखते हैं। होटल चेक इन हम लोगों को हो चुका है और हमने सोचा कि अभी आज का जो नाश्ता है वो होटल में ही करते हैं ताकि थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करें, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हों, फिर निकलें ताकि पूरी एनर्जी हो, क्योंकि पूरी रात से सफ़र चल रहा है, वो सारा करने के बाद एकदम अभी बाहर निकलना थोड़ा सा अजीब सीन हो जाएगा। तो इसके अभी यहीं पर हम नाश्ता करें। इसमें हमारे पास पैड थे, नूडल्स हैं, उसके बाद राइस हैं, सॉसेजेस हैं, अंडे वंडे हैं, जूस व्यूस हैं, वो ठूस रहे हैं अभी। नहीं जी, नाश्ता वाश्ता हमारा डन हो चुका है और इसके बाद अभी फ़िलहाल तो हम लोग असल में होटल जो है वो हमारा रूम मिलने में थोड़ा सा टाइम है। इस तरफ ये जिम है और ये इस दफ़ा मैंने जितने भी होटल्स बुक किए हैं इस पूरे ट्रिप में, मैंने यही सोच के यही देख के बुक किए हैं कि मुझे जिम मिले, ताकि थोड़ा बहुत जो मतलब हर 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 ट्रिप में मैं जाता हूँ और 8-9 किलो वज़न बढ़ा के वापस आ जाता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा मैं उसको उतारने में उतना ही टाइम लगा देता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं जिम वाला होटल बुक करूँ। ये जिम वाला है बट अभी कोई पता नहीं है कि मैं क्या कर पाऊँगा या क्या नहीं कर पाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे अपना सुकून कर रहे हैं, थोड़ा सा निकलते हैं, कोई सिम विम ले आते हैं, अभी सिम नहीं ली अभी तक। चलो आ गई ट्रेन। ओह लिफ्ट, ओए होए 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 ओए होए होए, बैंकॉक की गलियों में ओए तो स्कूटियाँ बढ़िया चलती हैं ना चोरी। चलो आओ, सबसे पहले तो सिम लें, सिम के बगैर बंदे को लगता है ना मेरे पाँव है ना मेरे हाथ है। $15 you can do all is one kick by
16 gigabytes for 15 days. Yes. Is there any unlimited package? Not unlimited. 16 gigabytes for high speed. After that speed, go down. ये पीछे आपको जो दुकान नज़र आ रही है इसका नाम है AIS. AIS यहाँ पे सिम इनकी जो है वो हमने आते हुए एक टैक्सी वाले से पूछा, फिर सर्च किया था तो वो इसका 4G सबसे अच्छा है, ऐसे ही है. हाँ, उन्होंने तो यही कहा है. बाकी बाद में पता लगेगा. जिस तरह मेरे साथ एजिट में हुआ था, उन्होंने कहा जी ये सबसे अच्छी सिम है, ले ली. उसकी बैंडविड्थ थी कोई नहीं थी. जहाँ रश होता था वहाँ सिग्नल ही नहीं आते थे. स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है. स्पीड इसकी 300 MB पर सेकेंड आ रही है. 300 MB पर सेकेंड. और उमेर कहता ओए ये तो बड़ी जल्दी उड़ जाएगा. अभी जितना यूज़ करेगा उतना ही उड़ेगा. खैर ये AIS लिए अभी तक यही पता कि सबसे अच्छी है, बट फिर भी बताऊंगा आगे वीडियोस में कि ये अच्छी है या नहीं. सिम मैंने लिया 15 डेज का 15 GB वाला पैकेज 299 बात का. यहाँ मॉल में घूमते घूमते मुझे एक शॉप नज़र आई. पहले मेरे को पता नहीं किस चीज़ की, फिर मेरी नज़र पड़ी वो सामने गेमिंग चेयर्स के ऊपर. और गेमिंग चेयर के बाद इस तरफ ये पूरा गेमिंग वर्ल्ड है. मतलब जो गेमिंग के शौकीन लोग हैं, आपने ऐसा पीसी देखा है कभी स्नीकर शेप में? ये पूरा पीसी बिल्ड हुआ है और बहुत बड़ा है. आपको कैमरा के अंदर शायद छोटा लग रहा है. उसके साथ ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पड़ी हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हो. इतनी खूबसूरत स्किन्स हैं. हालांकि मैं इतना कोई नेक्स्ट लेवल गेमिंग लवर नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जैसे चीज़ें बना बना के रखी हुई हैं वो तो मेरा दिल कर रहा है कि मुझे भी पीसी कोई बनाना. मतलब मेरे पास पीसी है लेकिन मैंने गेमिंग के हिसाब से बनाया हुआ. तूने अपना वाला मैंने एडिटिंग के हिसाब से बनाया हुआ. तूने गेमिंग के हिसाब से बनाया? गेमिंग के हिसाब से ही बनाया हुआ. ये गेमर बॉय है, इसने गेमिंग प्लस अपना काम. देखो जुगाड़ू आदमी, मतलब पैसा एक जगह लगा के दोनों चीज़ें निकाली हुई है इसने. अभी हम जो मॉल में जलील हो रहे हैं सिम के बाद, उसका मकसद एक है कि ये जो मेरा दोस्त इधर आ भटके भूले देवदास, इसने अपनी नज़र की चश्मा तोड़ लिया. और यहाँ से प्लेन देंगे मेरी 1 लाख रुपए की. अभी एक दुकान पे गया और मैं अभी बनवा के लाता हूँ, कहता ठहरो ज़रा इधर. जाके अंदर गया, एक सादा सा फ्रेम इसने चेक किया पाकिस्तानी पैसों में 1 लाख रुपए का. बाहर आ गया, कहता नहीं यार मैं 780p में देख लूँगा थाईलैंड. ओके जी, तो ये एक जूता है जो अभी नाइकी पे, मतलब आने से पहले मैं देख रहा था कि यार मुझे बहुत चलना है, मैं कोई जूता लेता हूँ. मैं गया नाइकी पे पाकिस्तान में और ये वाला आर्टिकल मुझे वहाँ मिल रहा था 54,000 का. अब यहाँ पे ये 37,000 का. हमारी वो टैक्स ड्यूटीज इंपोर्ट ये वो, तो मैंने कहा 37 का मिल रहा है मुझे 54 वाला पहन के पाकिस्तान जाऊँगा, सारे मेरे मुरीद हो जाएंगे साइज से. और मेरे से दूर हो के बैठ, 54,000 का जूता पहन कर रहा है. ओए होए पैर मेरा बादलों में, चेक कर. जब गरीब पहली दफ़ा नाइकी पहन ले. ये तो छोटा है मुझे. अब मैंने 45 पहना हुआ है, 45 भी मुझे तंग है. हालांकि मेरा साइज 45 ही है. वो कहता है इस आर्टिकल में ये है, ये साइज़ थोड़ा छोटा. किस्मत जब हो ना, यकीन करो मेरा बड़ा दिल टूटा है कि ये मुझे पूरा नहीं आया. उमेर ये तो ले ले यार, मैक्स साइज़ है 45 और इसमें वो मुझे पूरा नहीं आया. शिट, कितना खूबसूरत है ये. तेरा यूजू घोमो घोमो. पहली दफा तेरे पीछे लग के मैंने कुछ लिया और ये मिला है. पता नहीं क्या चीज है, अल्लाह माफ करे. मैं पहले ही वो अपने नाइकी वाले दुख से नहीं निकल रहा, ये ना अच्छा हुआ ना. यूजू कोल्ड ब्रू. ओहो, मेरे 200 बात वापस कर. ये जरा पी के दिखाई. ये आप लोग पहले इसकी शक्ल देख लें एक दफ़ा. दिखाई जरा इधर. ओए होए होए होए, आप जरा इसको पी. इसका टेस्ट नहीं है. और नहीं नहीं, नाम का स्टारबक्स नहीं है. तेरे एक्सपीरियंस गंदा हुआ तेरी अपनी हरकतों से. यार इसमें एक और मसला हो सकता है जो मेरे साथ दुबई एयरपोर्ट पे हुआ था. इसको मिक्स कर अच्छी तरह. वो डेफिनेटली हो सकता है कि फ्लेवर किसी एक जगह पे हो ना. जी मैंने इसको फुल मिक्स करके देख लिया. पथेटिक टेस्ट होता है ना, पथेटिक. वो मतलब आप सोचो कि कोका कोला नूली लग गई है, या कोका कोला एक्सपायर हो गई 3 साल पहले की, या फिर ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कोका कोला. मतलब जितना वियर्ड किस्म के फूड कॉम्बिनेशन नहीं होते वैसा है. मेरे तो पैसे अच्छे खासे ज़ाया हो गए. ब्लूबेरी चीज़ केक खा लेते हैं बस. ओ चीज़ केक ने सारी कसरें निकाल दी हैं यार.
पहले तो लगा मुझे ये बहुत बुरा चाचू है, शुक्रिया टाटा बाय बाय। पहले तो मुझे लगा बहुत ही बुरा, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पीना शुरू किया, मज़ा आने लगा यार। और फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो यूजू इज अ जैपनीज सिट्रस लेमन और वो कॉफ़ी के साथ ब्लेंड हुआ है, प्लस इसके ऊपर उसके छिलके भी पड़े, ग्रीन हो गया साड़ा सिग्नल, तो इसलिए ये इसका टेस्ट थोड़ा सा वो है जो एकदम बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, समझ नहीं आती, बट बाद में मज़ा आता है। हमारे फौजी बिल्कुल ही थक चुके हैं, हैं? नहीं नहीं। चिचा कमरा दे दो। सो ये हमारे चिचा हैं जिन्होंने हमें होटल दिया। हाउ आर यू? गुड एंड यू? गुड। ए चाचा ने मैं कह यार कमरा को टैट जा दे दी है कि हंसने लग गया कि पता नहीं क्या बोली जा रहा है, फिर मैंने उसको कहा अल्लाह हाफिज़ के, अल्लाह हाफिज़। चलो आओ चलें कमरे में। अब वैसे मुझे मेरी आंखों में नींद है लेकिन वैसे मैं फुल फ्रेश हूँ अभी, बट सो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओए तेरी शक्ल देख के मेरा दिल कर रहा तुझे मैं सुला दूँ खुद लोरी देख के। ऐसे कह रहे कौन सा फ्लोर? ओए चलो चलो रूम 313 देख। उम्मी बाबू इधर इधर फौसी इधर आ जाओ। ओ नाइस। पहले सबसे पहले मुझे रूम का व्यू चेक करने दे, उसके बाद कुछ होगा। और व्यू कोई ख़ास व्यू नहीं है, बड़ा कॉम्फी सा है जिस तरह ना, एक ये यहाँ पे सोफ़ा है, एक ये बेड है, एक ये डबल बेड है। हाँ अरसलान को वो वैसे भी है, ये 4 पर्सन के लिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम लोग रूम में आए, रूम में आने के बाद सो गए। मैंने कहा ज़रा रेस्ट कर लें इससे पहले कि हम अपने पहले दिन की नाइट लाइफ को एंजॉय ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इसके बाद क्या प्लान है? ऊपर पूल चलें? मौसम बैंकॉक का इतना खूबसूरत हुआ है कि अभी मतलब फील आ रही है हल्की हल्की सी, वो बारिश हो रही है ना, हल्के हल्के से पानी कितरे आ रहे हैं और पानी हमारे पानी कितरे आ रहे हैं, इधर हम पूरे पानी के अंदर चले जाएंगे अभी। और हसन तो फुल स्लीव लेस छोटे छोटे कच्चे, इधर मैं आ गए ये बैंकॉक डाउन करने आ रहे बाबा। चलो अब अंदर चलें फिर इसके बाद हम आगे निकलें, आधा घंटे बाद स्विमिंग करते हैं, पूल अच्छे ही है बाकी से बंद हो जाएंगे। सो ये हमारे होटल का है रूफ टॉप और मैं आपको यहाँ से थोड़े से व्यूज़ दिखा देता हूँ। इस तरफ आप मौसम सिर्फ चेक करोगे इस टाइम बैंकॉक का मौसम कैसा हुआ है, मतलब यार खूबसूरत तरीन लग रहा है। और ये इस तरफ कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे बिल्कुल पास मॉल है जहाँ पे हम फिर रहे थे, और ये हमारा इन्फिनिटी पूल, मतलब सो कॉल्ड इन्फिनिटी पूल लेकिन है, अच्छा लगता है सामने, मतलब आप पूल में नहा रहे हो, सामने वो आपको ट्रैफिक चलती हुई नज़र आ रही है, बिल्डिंग्स का एक व्यू है, उसके बाद वो जो नीचे आपको दो डब्बे नज़र आ रहे हैं वो नीचे ग्लास है, तो अगर रोड से कोई गुजर रहा है तो उसको नीचे से ऊपर वाले लोग नज़र आते हैं। ले जी पूल पार्टी तो हमारी, मैं पिक्चर्स वगैरह बनवा रहा था, मैं नीचे से गीला हो चुका हूँ अभी। यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है फुल और बॉयज़ ऐसे मतलब अपनी स्विमिंग के चर्चे अरूज पे करते हुए नहाइयाँ धोइयाँ इनकी शुरू हो चुकी हैं, अभी मैं भी जाऊँगा अंदर। इधर ले जी बैंकॉक में टुक टुक। ओए कंफर्टेबल है? हो जाएगा गुजारा, पक्की बात है।
ओए इसको पकड़ के रखी, तू भी पकड़ के रख ग्रिल से। मैंने वो असल में उससे वो कमिटमेंट कर ली, इसलिए नहीं निकल रहा। हम लोग अभी जा रहे हैं चाइना टाउन मार्केट, और इंटरनेट पे जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्होंने लिखा होता है कि थाईलैंड जाके आप सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो वो टुक टुक है। साढ़े लिशके अभी फिर रहे होंगे 24 घंटे तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अभी हम फिर रहे थे। मैं कोई वो ग्रैब चलती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ग्रैब जिस तरह हमारे ऊबर इन ड्राइवर चीज़ें इन ड्राइवर यहाँ पर भी यूज़ होती है, लेकिन ग्रैब सबसे ज़्यादा होती है। तो वो करवाने लगा था, इसने मुझे बोला कि 300 लूँगा टुक टुक का। मैं कहा नहीं 100 रुपया 100 रुपया नहीं 100 बात। तो कहता नहीं नहीं 200 200, पहले हंसा कहता 200, मैं कहा नहीं नहीं, फिर कहता मैं वापस मुड़ने लगा कहता 150। मैं कहा चलो बैठो एक इसका टुक टुक का थोड़ा मज़ा तो ले ले, लेकिन फैंसी को जगह नहीं मिली। फैंसी मैं नीचे हो जाऊँ? नहीं नहीं पक्की बात है, चलते हैं। हमारे रिक्शे ये बंद वाला होता है ना, इनके ये सारा खुला है। फैंसी हवाएं क्या कह रही हैं? अब्बा को शिकायत लगाऊंगा, बहुत तेज लश्कर चलाते हो। हाउ मच 150 150, देख फिर कह रहा 200। तुम्हारा अब्बा को शिकायत लगाऊंगा, लश्कर बहुत तेज चलाते हो। नो चेंज अब तो शिकायत पक्का लगाऊंगा तुम्हारे अब्बा को। 10 रुपए नहीं दिए मेरे वापस। चाइना टाउन आते ही हमें फील आनी शुरू हो चुकी है कि हम थाईलैंड में, क्योंकि स्ट्रीट फूड स्टॉल जैसे नज़र आ रहे हैं। अभी एक चीज़ है पतोंगो, ये चाइनीज़ डो होती है, सिर्फ उसके ऊपर एक सॉस डाल के दे देते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी अगर आप थाईलैंड के अंदर फिर रहे हो तो आपको जगह जगह पे मतलब जो स्टॉल हलाल फूड का होगा उसके ऊपर हलाल का साइन मिल जाएगा। तो ये इस तरह से ईजिली आप ढूंढ सकते हो चीज़ें। ये खा के देखता हूँ, बट इतने बड़े बड़े फ्राइड डो है, उसके ऊपर वो सॉस डालते हैं और वो सर्व कर देते हैं। यहाँ एक स्टॉल है, इसके ऊपर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उस लाइन में भाई भी लग गया है। हमारे पास आ चुके हैं। इसके ऊपर इन्होंने एक ग्रीन सी सॉस डाली है और एक इन्होंने कॉन्डेंस ग्रीन सॉस जो है वो है कोकोनट, और साथ में व्हाइट वाली कॉन्डेंस मिल्क, और साथ में फ्राइड डीप ग्रिल्ड डो। एग्जैक्टली लुकाइमत जो यूएई में मिलता है, मतलब वो डो होती है सिंपली, आपने मेरी दुबई वाली वीडियोस में देखा होगा, उसके ऊपर एक प्रॉपर क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट डो। तो चाइनीज़ एक वो मतलब इसको फ्राई करके फिर ग्रिल किया हुआ है, और बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है कॉन्डेंस मिल्क का और कोकोनट सॉस का। हाँ ओह बहुत रिफ्रेशिंग सा है, हल्का हल्का गर्म मज़ेदार, प्लस चाइना टाउन की वाइब, चाइना टाउन की खूबसूरत वाइब और बैंकॉक की सड़कें। अच्छा बाय द वे ये जो चाइना टाउन है, आपको मतलब जब इसकी एंट्रेंस पे खड़े हो तो पूरी रोड पे आपको चाइनीज़ बोर्ड रोड के दोनों तरफ नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत एक व्यू है। और इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था कि बैंकॉक का चाइना टाउन न्यूयॉर्क के चाइना टाउन को चपेड़े मारता है। जनरली यही सेम चीज़ लिखी हुई थी, ओए लाइव सिंगिंग हो रही है, सेम यही चीज़ लिखी हुई थी, मैं उसको उर्दू में करके बता रहा हूँ कि बैंकॉक का चाइना टाउन न्यूयॉर्क चाइना टाउन को चपेड़े मारता है। ये क्या है? ओल्ड
शॉप ओरिजिनल यावराज चाइना टाउन पे ही एक सी फूड काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है जिसके बाहर लोग ही लोग बैठे, मतलब मैं सिर्फ रश देख के रुका हूँ, रेस्टोरेंट में बाद में नजर आया इतना रश है यहाँ पे। स्क्विड्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, सिपियाँ मिपियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ, खैर बहुत हैवी सीन है सी फूड का। यहाँ पे जब आप ऑर्डर करते हो उसके बाद आपको ये एक स्लिप दे देते हैं, उस पर आपका नंबर लिखा होता है, उस नंबर के हिसाब से आपको जगह मिलती है। हालांकि बैठने की इतनी जगह है फिर भी वो सारी फुल है, तो लोग सारे वेटिंग में खड़े हैं इस तरफ कि जब उनका नंबर आएगा वो आके बताते हैं कि आप आके बैठ जाओ। हम लोगों ने मंगवाया अभी फिलहाल जो चीज़ें आ चुकी हैं उसमें क्रैब मीट बॉल्स हैं, क्रैब मीट बॉल्स और बड़ी क्रिस्पी कड़कड़ाते। ओहो, ये हमारे बिल्कुल कोफ्ता जैसा लग रहा है, बट अंदर वो जो क्रैब की एक सी फूड वाइब होती है वो है, साथ में इन्होंने रेड चिली दी हुई है। उसके अलावा हमने मंगवाया लेमन ग्रास सी फूड सूप जिसके अंदर डिफरेंट सी फूड है, प्रॉन्स है, स्क्विड है, उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है ये बाकी क्या है, मशरूम्स हैं, मशरूम डले में और सूप में आग चल रही है फुल। प्रॉपर मतलब मैंने पिया, मुझे लगा कि लीमू का पानी निकाल के सारा सूप इस तरह लीमू का पानी और सूप मिक्स किया हुआ, बहुत मज़े की एक वाइब आई एकदम। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ स्क्विड, लेमन ग्रास, स्क्विड, ओहो ऑथेंटिक ऑथेंटिक सूप बाय द वे होता भी ऐसा है, यखनी टाइप लेमन ग्रास सूप और मैंने पूरा स्क्विड ऐड कर लिया, लेकिन मुझे गर्म बहुत लग रहा है। स्क्विड मैंने इजिप्ट में भी खाया था, मुझे बहुत मजे का था, सारे क्रैब मीट बॉल खा गए तुम के एक छोटा। स्क्विड की जो एक रबरी फील होती है ना जब आप उसको चबाते हो और उसके बाद एकदम से जो एक सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल एक फील होता है मैं कुछ बड़ा मज़े का सी फूड खा रहा हूँ। ये तो कोफ्ते लग रहे हैं, सेम बहुत मजे के। ये प्रॉन्स पूरी अपनी टांगों शांगों के साथ है, प्रॉन की इवन आप आंखें देख सकते हो। ये चीज़ पकड़ के इस तरह तोड़ दे इसको, अंदर से बिल्कुल रेडी प्रॉन, इतना मज़े का लग रहा है मुझे। ओए होए 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 बाबा, प्रॉन निकालने पे मेहनत भाई कर चुके हैं। मतलब टेस्ट ठीक है, इतना बटरी है ये, उसकी वजह मुझे नहीं पता क्या हो सकती है, लेकिन मतलब प्रॉन होता है बिल्कुल ही क्रंची सा, ये वो ये ऐसे एक मुझे फील है ये मैं बटर सी फूड खा रहा हूँ। स्क्विड पूरा अपनी टांगों शांगों के साथ है और इसको मैंने ऐसे ही खा जाना है, रबड़ी बहुत रबड़ हो। ये ग्रिल्ड है तो बिल्कुल मतलब पहले ये थोड़ा रबड़ी होता है, ग्रिल होने के बाद थोड़ा और सख्त हो चुका है, तो मुंह में चुबाते हुए ऐसे कड़ा कड़ा चोरी है पूरी। बट ये जो इनका ये राइस नूडल्स है ना, ये नेक्स्ट लेवल चीज। Yes, this is Chinatown. मतलब लाइव कॉन्सर्ट सड़क पे, मजेदार। आओ चले,
अभी चाइना टाउन में लाइट्स वगैरह बंद होनी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि 11:15 हो गए हैं और ये चाइना टाउन इस टाइम तक बंद होना शुरू हो जाता है। अभी भी बहुत ज़्यादा रश है। खैर ये था हमारा थाईलैंड में, मतलब पाकिस्तान से निकले थाईलैंड पहुँचे, यहाँ पे पहला दिन गुजारा। तो आज फूड टूर नहीं था इसमें, लिश्का तेज़ आया, इसमें फूड टूर नहीं था, बट वैसे हम लोग फिर जो भी होगा वो इसी मेन चैनल पे ही सारी वीडियोस आ रही होंगी, उसमें ट्रैवल भी होगा, उसमें फूड भी होगा। तो फूड वीडियोस अभी आगे आने वाली हैं, तो उसमें मैं आपको ज़रा डिटेल में चीज़ें और बताऊंगा कि बैंकॉक का जो स्ट्रीट फूड है वो किस लेवल पे है, ये क्या चीज़ें हैं, अगली वीडियोज़ में आपको पता लगेगा। खैर कैसा रहा पहला दिन दोनों का? मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। उमेर असल में थका हुआ है, उमेर को दो दिन हो गए जागते हुए, वैसे ही है। आज भी दोपहर को मैं तो 3-4 घंटे सो लिया, उमेर सोया 2 घंटे, एक घंटा तो सोता खुद नहीं है जान के बाद में आए इस तरह करता फिर रहता है। खैर सी फूड कैसा लगा भाई? मजे का था, मुझे तो काफी दो दिन अच्छी लगी थी। एक तो मीठे में अच्छा लगा था जो पहले खाया था, वो पहले हमने वो खाए थे तोंग योंग यांग कुछ, सबसे अच्छा वो था। और दूसरे नंबर पे वो था कौन सा? वो क्रैब मीट बॉल, क्रैब मीट बॉल, वो इन्हें पाकिस्तानी कोफ्ते जो लगे। खैर वो दूसरे भी अच्छे थे, वो राइस नूडल टाइप जो थे वो मुझे ओवरऑल चीज़ें अच्छी लगी, स्क्विड बस ग्रिल्ड वाला थोड़ा सख्त हो गया था। खैर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को भाइयों को दुआओं में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। और दोबारा से बता रहा हूँ एक दफ़ा फिर से कि एक भाई हमारा आ रहा है, वो हमें जरा बाद में बताएंगे, एक और बॉय हमें ज्वाइन करेगा। खैर जो भी होगा ट्रैवल प्लस फूड वो सारा इसी चैनल पे आ रहा होगा। खैर टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।